नंबर 47 विश्व की परिवहन व्यवस्था। प्रश्न एक, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी भारत। उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न दो, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। उत्तर है ए दूसरा। प्रश्न तीन, दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी चिली, डी न्यूजीलैंड। उत्तर है बी अर्जेंटीना। प्रश्न चार, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम तीन देशों का अवरोही क्रम है ए यूएसए, ब्राजील, भारत, बी यूएसए, भारत, ब्राजील, सी यूएसए, रूस, भारत, डी यूएसए, जापान, भारत। उत्तर है बी यूएसए, भारत, ब्राजील। प्रश्न पांच, विश्व की सबसे लंबी सड़क है ए ट्रांस कनाडियन महामार्ग, बी पैन अमेरिकन महामार्ग, सी अलास्का महामार्ग, डी स्टुअर्ट महामार्ग। उत्तर है बी पैन अमेरिकन महामार्ग। प्रश्न छह, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी, डी भारत। उत्तर है ए ब्रिटेन। प्रश्न सात, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? ए लंदन और न्यूकैसल के मध्य, बी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के मध्य, सी लेनिनग्राड और मास्को के मध्य, डी उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यूकैसल के मध्य। उत्तर है डी उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यूकैसल के मध्य। प्रश्न आठ, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी भारत। उत्तर है डी भारत। प्रश्न नौ, विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी यूएसए। उत्तर है डी यूएसए। प्रश्न दस, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ए 1830 ईस्वी में, बी 1834 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में, डी 1854 ईस्वी में। उत्तर है ए 1830 ईस्वी में। प्रश्न 11, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली? ए मैनचेस्टर से लिवरपूल तक, बी लेनिनग्राड से ब्लॉडिवोस्टक तक, सी हेलीफैक्स से वैंकूवर तक, डी बंदरबोरी से ठाणे तक। उत्तर है ए मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। प्रश्न 12, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, बी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, सी ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, डी काहिरा केपटाउन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तर है ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। प्रश्न 13, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई है ए 7050 किलोमीटर, बी 8115 किलोमीटर, सी 9332 किलोमीटर, डी 11174 किलोमीटर। उत्तर है सी 9332 किलोमीटर। प्रश्न 14, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां से कहां तक जाती है? ए लेनिनग्राड से मास्को तक, बी लेनिनग्राड से चिलियाबिंस्क तक, सी लेनिनग्राड से इरकुटस्क तक, डी लेनिनग्राड से ब्लॉडिवोस्टक तक। उत्तर है डी लेनिनग्राड से ब्लॉडिवोस्टक तक। पृष्ठ 344। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, बी इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 9332 किलोमीटर है, सी यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को ब्लाडिवोस्टक से जोड़ती है, डी रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है। उत्तर है डी रीगा इस रेल मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है। प्रश्न 16,
कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हेलीफैक्स से जोड़ता है? ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, बी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, सी कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, डी यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। उत्तर है सी कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। प्रश्न 17। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जोड़ता है? ए सिडनी को पर्थ से, बी ब्रिस्बेन को पर्थ से, सी सिडनी को डार्विन से, डी ब्रिस्बेन को डार्विन से। उत्तर है ए सिडनी को पर्थ से। प्रश्न 18। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग किस नाम से जाना जाता है? ए ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, बी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सी मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, डी दक्षिणी महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तर है सी मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। प्रश्न 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ए यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, बी पार एंडीज रेल, सी पार साइबेरियन रेल, डी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल। सूची 2 ए पेरिस से इस्तांबुल, बी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक, सी लेनिनग्राड से वोल्गोग्राड, डी ब्यूनस आयर्स से वाल्पेरोजी, ई पेरिस से वारसा। उत्तर है ए यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल का पेरिस से वारसा, बी पार एंडीज रेल का ब्यूनस आयर्स में वाल्पेरोजी, सी पार साइबेरियन रेल का लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक, डी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल का पेरिस से इस्तांबुल। प्रश्न 20। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? ए उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग, बी दक्षिणी अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग, सी केप सामुद्रिक जलमार्ग, डी स्वेज नहर जलमार्ग। उत्तर है ए उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग। प्रश्न 21। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा सामुद्रिक जलमार्ग संपर्क स्थापित कराता है? ए उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, बी दक्षिणी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, सी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, डी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। उत्तर है ए उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग। प्रश्न 22। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? ए हिंद महासागर, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, डी उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तर है सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न 23। स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? ए उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, बी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, सी केप सामुद्रिक जलमार्ग, डी दक्षिणी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग। उत्तर है सी केप सामुद्रिक जलमार्ग। प्रश्न 24। कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती है? ए गाटून झील, बी तिमसा झील, सी मंजाला झील, डी ग्रेट बिटर झील। उत्तर है ए गाटून झील। प्रश्न 25। स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है ए काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, बी स्वेज तथा काहिरा, सी काहिरा तथा पोर्ट सईद, डी पोर्ट सईद तथा स्वेज। उत्तर है डी पोर्ट सईद तथा स्वेज। प्रश्न 26। स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? ए 11 घंटे, बी 15 घंटे, सी 21 घंटे, डी 24 घंटे। उत्तर है बी 15 घंटे। प्रश्न 27। स्वेज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया? ए उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, बी दक्षिणी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग, सी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, डी केप सामुद्रिक जलमार्ग।
उत्तर है डी, केप सामुद्रिक जलमार्ग। प्रश्न 28, स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, यह जलमार्ग 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। बी, इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद पत्तन स्थित है। सी, यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। डी, इस नहर जलमार्ग का 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया। उत्तर है सी, यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। प्रश्न 29, स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, इस जलमार्ग का निर्माण कार्य 1869 ईस्वी में पूरा हुआ। बी, मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सी, इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। डी, गहराई कम होने के कारण इसमें जहाज तीव्र गति से नहीं चल सकते हैं। उत्तर है सी, इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। प्रश्न 30, स्वेज नहर के बनने से समुद्री जहाजों को केप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाने से समय एवं दूरी की बहुत बचत हुई। निम्नलिखित में किस मार्ग में समय एवं दूरी की बचत अधिकतम हुई है? ए, लंदन से हांगकांग। बी, मुंबई से लंदन। सी, वेलिंगटन से लंदन। डी, लंदन से पेनांग। उत्तर है बी, मुंबई से लंदन। प्रश्न 31, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? ए, कील नहर। बी, पनामा नहर। सी, सू नहर। डी, स्वेज नहर। उत्तर है डी, स्वेज नहर। प्रश्न 32, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? ए, कील नहर। बी, पनामा नहर। सी, सू नहर। डी, स्वेज नहर। उत्तर है डी, स्वेज नहर। प्रश्न 33, पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए, पनामा नहर लंबाई में छोटी है। बी, पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है। सी, घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता है। डी, पनामा नहर में जलपोश बने हुए हैं। उत्तर है सी, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता है। प्रश्न 34, वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? ए, पनामा। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, कोस्टा रिका। डी, ग्रेट ब्रिटेन। उत्तर है ए, पनामा। प्रश्न 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन पनामा नहर जलमार्ग के संबंध में असत्य है? ए, यह नहर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बी, यह नहर जलमार्ग 1914 में बनकर तैयार हुई। सी, इस नहर जलमार्ग में 3 लॉक हैं। डी, इस नहर जलमार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है। उत्तर है डी, इस नहर जलमार्ग की लंबाई 115 किलोमीटर है। पृष्ठ 345, प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, पनामा नहर की न्यूनतम गहराई 12.3 मीटर है। नंबर 2, पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। नंबर 3, पनामा नहर में अधिक तीव्र गति से जलयान नहीं चल सकते हैं। नंबर 4, स्वेज नहर की औसत गहराई लगभग 16.15 मीटर है। उत्तर है सभी कथन सत्य हैं। नंबर 1, पनामा नहर की न्यूनतम गहराई 12.3 मीटर है। नंबर 2, पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। नंबर 3, पनामा नहर में अधिक तीव्र गति से जलयान नहीं चल सकते हैं। नंबर 4, स्वेज नहर की औसत गहराई लगभग 16.15 मीटर है। प्रश्न 37, निम्न में से कौन मानव कृत नहर जलमार्ग है? ए, स्वेज नहर जलमार्ग। बी, पनामा नहर जलमार्ग। सी, उपर्युक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों, अर्थात ए, स्वेज नहर जलमार्ग और बी, पनामा नहर जलमार्ग। प्रश्न 38, निम्नलिखित में कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी
सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ए कील नहर, बी स्वेज नहर, सी पनामा नहर, डी वोल्गा डॉन नहर। उत्तर है ए कील नहर। प्रश्न 39। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है ए मिसिसिपी, बी ह्वांगहो, सी कॉन्गो, डी राइन। उत्तर है डी राइन। प्रश्न 40। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां भी परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि ए ये नदियां जलप्रपात एवं शिप्रिका का निर्माण करती हैं, बी इन नदियों में अक्सर बाढ़ आती रहती है, सी अपने निम्न भाग में ये नदियां अधिकांश समय जम जाती हैं, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है सी अपने निम्न भाग में ये नदियां अधिकांश समय जम जाती हैं। प्रश्न 41। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? ए भारत का गंगा नदी मार्ग, बी उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, सी यूरोप का राइन नदी मार्ग, डी भारत का ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग। उत्तर है बी उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी एशिया। उत्तर है सी यूरोप। प्रश्न 43। मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता है? ए अलेक्जेंड्रिया, बी स्वेज, सी पोर्ट सईद, डी बेनगाजी। उत्तर है बी स्वेज। प्रश्न 44। केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को जलयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण है ए दक्षिण अफ्रीकी राज्यों के विकसित होने के साथ इस मार्ग से होने वाले व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है, बी स्वेज जलमार्ग पर लिया जाने वाला टोल कर बहुत अधिक होता है, सी बड़े बड़े तेल वाहक जहाज या टैंकर संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत कम शहरी स्वेज नहर से यात्रा नहीं कर सकते, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 45। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ए ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, बी बिग इंच पाइपलाइन, सी HBJ गैस पाइपलाइन, डी कॉमेकेन गैस पाइपलाइन। उत्तर है ए ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। प्रश्न 46। निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सऊदी अरब, डी भारत। उत्तर है डी भारत। प्रश्न 47। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? ए अदन, बी सिंगापुर, सी अबादान, डी होनुलुलु। उत्तर है सी अबादान। प्रश्न 48। आंत्रेयो पत्तन का उदाहरण है ए सिंगापुर, बी रोटरडम, सी कोपेनहेगन, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 49। फारस की खाड़ी पर स्थित अबादान किस प्रकार का पत्तन है? ए नेवी पत्तन, बी कैरीफोर्ट, सी परिष्करण शाला पत्तन, डी वाणिज्यिक पत्तन। उत्तर है सी परिष्करण शाला पत्तन। प्रश्न 50। सुमेलित कीजिए सूची 1 पत्तन के प्रकार। ए वाणिज्यिक पत्तन, बी आंत्रेपो पत्तन, सी आंतरिक पत्तन, डी पोर्ट ऑफ कॉल। सूची 2 पत्तन के नाम। ए कोलकाता, चेन्नई, याकोहामा, बी सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन, सी कोलकाता, यांगून, मनाओस, डी अदन, होनुलुलु, सिंगापुर। उत्तर है ए वाणिज्यिक पत्तन का कोलकाता, चेन्नई, याकोहामा, बी आंत्रेपो पत्तन का सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन, सी आंतरिक पत्तन का कोलकाता, यांगून, मनाओस, डी पोर्ट ऑफ कॉल का अदन, होनुलुलु, सिंगापुर।